हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SYBF। सो आज हम लोग का ये ऑडिट सेकंड लेसन वेरिफिकेशन पार्ट टू ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑडिट ऑफ असेट कंप्लीट किया था। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद ऑडिट ऑफ लाइबिलिटीज। ऑडिट ऑफ लाइबिलिटी, ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ऑडिट ऑफ असेट कंप्लीट किया था। यहाँ पे आपको मैं पहले भी बोल चुकी आप लोगों को कि हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो पहले बात करते समय आपको सोचना है कि आप एक ऑडिटर, आप कोई एग्जामिनर हो, ठीक है। अगर आपको पेपर दिया जाता है आपका एग्जाम का, तो आप कैसे चेक करते हो एज एग्जामिनर, राइट। हाँ, आपका फ्रेंड का आपको पेपर दिया कि इसका टेस्ट पेपर आप चेक करो, तो आप कैसे चेक करोगे कि मतलब उसका एक एक पॉइंट खोजोगे कि कहाँ पे उसने गलत किया है, कहाँ पे वो गलत कर सकता है, राइट। वैसे ही आपको ऑडिट भी वैसे ही किया जाता है। आप किसी कंपनी में गए, अभी यहाँ पे बोले ऑडिट ऑफ लायबिलिटी। अब आपको मालूम है लायबिलिटी क्या होता है, इधर दिया हुआ है लायबिलिटी मीन दी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी अदर देन दी ओनर्स फंड। ये क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। हाँ, अभी ये जो ऑडिट ऑफ लायबिलिटी होती है इसकी स्कोप्स क्या क्या होती है। लायबिलिटीज इंक्लूड क्या करती है, लोन्स, बोरिंग, ट्रेड क्रेडिटर, अदर करंट लायबिलिटी, डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट, राइट। इसके इंपॉर्टेंस मतलब ये क्यों किया जाता है। लायबिलिटी क्या है, फॉर्म अ लार्ज सोर्स ऑफ फंड ऑफ एन एंटिटी। ये क्या लायबिलिटी, अब एक एंटिटी को बहुत बड़ा उसका एक सोर्स होता है जिससे वो फंड, मतलब बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फंड है ये लायबिलिटी। द ऑडिट ऑफ लायबिलिटी एंश्योर्स दैट ऑल नोन लायबिलिटीज आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। इफ लायबिलिटीज आर ओमिटेड और रॉन्गली स्टेटेड इन द अकाउंट्स, इट अफेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी स्पेशल फीचर क्या होती है, यहाँ पे देखो, इज इन द नेचर ऑफ ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डीलिंग विद द एंटिटी। ये क्या होता है, इसका जो एविडेंस का जो नेचर होता है वो कौन सा, एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है जो हम थर्ड पार्टी से लेते हैं जब हम उनके साथ डीलिंग करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन कैरिंग आउट एन ऑडिट ऑफ लायबिलिटी द ऑडिटर इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का एविडेंस हम लोग निकालने का है, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ऑल नोन लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एंड स्टेटेड एट फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट। इसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले तो इंटरनल कंट्रोल चेक करो, रिकॉर्ड चेक करो, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर डायरेक्टली आप कंफर्म करो, एग्जामिनेशन ऑफ डिस्क्लोजर बराबर डिस्क्लोज किया है कौन सा है सब आपको करना है। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, कंपेयरिंग ये ईयर का क्लोजिंग और लास्ट ईयर का क्लोजिंग कंपेयर करते हैं, ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन उनका सब देखने का, राइट। एग्जामिनेशन ऑफ डिस्क्लोजर, स्टेटरी रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, क्लासिफिकेशन गारंटीड लोन उसको भी क्लासीफाई किया हुआ है, इंस्टॉलमेंट ड्यू इन नेक्स्ट 12 मंथ। हाँ, इंस्टॉलमेंट आपको आने वाली, आपको मालूम है अगले 12 महीनों में, वो सब आपको यहाँ पे कैसे कैसे करने का मैं आपको बताया। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन्स एंड बोरिंग क्रेडिट एक्सेट्रा विद द करस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट। वही सारे क्या क्या दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन्स एंड बोरिंग, रिलेशन बिटवीन करंट ईयर क्रेडिटर बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन्स एंड बोरिंग क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, करंट ईयर अगेन शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स। ये सारी चीज आपको क्या करने, चेक करने, बराबर कंपेयर करना है, राइट। अगर ये टाइम का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, कम है, क्यों कम है, कहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, राइट। ऑडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये क्या होता है, अक्रूवल मतलब बाकी है, बाकी है, इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अ लिमिटेड कंपनी मस्ट मेंटेन इट्स अकाउंट ऑन अक्रूअल बेसिस अंडर दिस बेसिस। मतलब क्या होता है, अक्रूड होने वाला है, अक्रूड आउटस्टैंडिंग जो बाकी है, इस पे आपको क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ एक्सपेंस अकाउंट क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। स्पेशली अकाउंट्स लाइक सर्विस चार्जेस पेड, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज, लॉयल्टीज एक्सेट्रा टू एसर्टेन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। हाँ, ये सारे अमाउंट हम लोग क्या, रेंट है, हम लोग दो महीने का भर के रख देते हैं या फिर दो महीने का हमारा बाकी रहता है, ऐसा सब होता रहता है, राइट।
इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। हाँ, सर्विस का अलग कुछ सर्विस चार्ज बोला, इस सर्विस चार्ज एक्रू व्हेन द सर्विस इज परफॉर्म एंड कंप्लीट। ये इसका जब आउटस्टैंडिंग कब होता है, जब तो वो सर्विस आपको मिली है, परफॉर्म की गई और कंप्लीट हो चुके। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टाइम बेसिस एट द रेट एग्रीड। हाँ, अगर आपके पास इंटरेस्ट ड्यू है तो कौन से बेसिस पे टाइमली होता है ना, कि इतने महीने में इतना, इतने दिन में इतना, ऐसा रेंट का दिया हुआ रॉयल्टी, मतलब उसके अंदर आउटस्टैंडिंग में आपका क्या क्या आ सकता है आउटस्टैंडिंग, वो सारे आउटस्टैंडिंग आपको दिए हुए, राइट। आपको ज्यादा कुछ नहीं करने का, बस नॉर्मली आपको आपको जितना मालूम है थोड़ा बहुत, हाँ उतना ही। अकाउंट पेबल, ये आपके इसमें आता है, किसमें आता है, ऑडिट ऑफ लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी के अंदर का एक पार्ट है आपके, ठीक है। इसमें भी आपको प्लानिंग चाहिए, ऑडिट शुड बी प्लान कीपिंग इन व्यू दैट द फैक्ट क्रेडिटर्स कैन नॉट बी फिजिकली वेरीफाइड, क्रेडिटर्स हैव टू बी वेरीफाइड ओनली फ्रॉम डॉक्यूमेंटिंग। मतलब आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, लायबिलिटी में आप कुछ भी करोगे तो आपको कौन से बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे, ठीक है। और वो कंफर्मेशन होता है किसका, थर्ड पार्टी का, राइट। इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग टू लायबिलिटीज आपको चेक करनी है, लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इंटरनली एक्सटर्नली कैसा कंट्रोल है आपका। वेरिफिकेशन, नो क्रेडिटर्स आर ओमिटेड, द लायबिलिटी टुवर्ड क्रेडिटर एग्जिस्ट एंड इज ड्यू। हाँ, लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है और ड्यू है। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आर क्लेम्स आउटस्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, सारी चीज की एग्जामिनेशन होनी चाहिए। लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो थर्ड पार्टी से आपके पास आते हैं, यही सारी चीज यहाँ पे दी हुई है आपको। एंड का रिव्यू, कंपैरिजन, एंड का रिव्यू हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन करता है, ठीक है। चेकिंग समरी एंड ग्रुपिंग, जो आपका समरी दिया हुआ है। चेकिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कट ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन से ऑडिटर शुड एग्जामिन द कट ऑफ प्रोसीजर, कितना आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ उस पर मिला है, क्या किया है, ठीक है। डिस्क्लोजर वायर रिवाइज शेड्यूल थर्ड, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज शेड्यूल थर्ड क्रेडिटर्स आर फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू ट्रेड पेबल एंड अदर पेबल, मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, वर्किंग पेपर्स, ये सारी चीज ध्यान में होने चाहिए। जैसे हमने डेटर्स का वहाँ पे देखा था असेट में, यहाँ पर क्रेडिटर्स लेजर्स क्वालिटी दिया हुआ है, सेम चीज फॉलो होगी यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, वहाँ पे डेटर्स का बनाया था, सेम चीज। सिक्योर्ड लोन, अभी लोन ले रहे हो एक सिक्योर बेसिस पे होता है कि आपने वहाँ पे कुछ गिरवी रखा है प्रॉपर अमाउंट पे, 50 लाख का लोन लिया है, उसका मशीन नहीं है, आपने कुछ गिरवी रखा है, उसके ऊपर आप क्या क्या ले सकते हो। यहाँ पे देखो आपका मेन चीज यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी और उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर डिबेंचर सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू द कंसर्न एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ द लेंडर, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किससे, बिलोंगिंग टू द कंसर्न या फिर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ लेंडर। लीगल मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज डीड रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी डीड, कोई भी इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी जो डीड होगी, राइट। गुड्स प्लेज, फिजिकल इन्वेंट्री, स्टॉक रिकॉर्ड ऑफ प्लेज गुड्स ऑफ कंसर्न एज एट द ईयर एंड। गुड्स हाइपोथेटिकेड, हाइपोथेटिकेशन डीड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज चेक करनी चाहिए। वेयर सिक्योर हो गया, सिक्योर लोन फ्रॉम बैंक, ये तो हम क्रेडिटर्स से भी ले सकते हैं ये सारे। अभी क्या बैंक से आप कौन सा ले सकते हो, लोन्स अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको एक चीज छोटी सी, मतलब क्या क्या इंक्लूड हो सकता है वो आपको एक होना चाहिए। डिबेंचर सिक्योर अगेंस्ट प्रॉपर्टी, देखो ये सारे सिक्योर में थे, अभी आए अनसिक्योर लोन्स, ठीक है। अनसिक्योर में आपके पास क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी, यहाँ पे देखो आप कंटीजेंट लायबिलिटी मींस पॉसिबल लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट बिकम एक्चुअल लायबिलिटी, राइट। यहाँ पे उसका क्या डिस्कवरी दिया हुआ है, सर्टिफिकेट आपको जो चेक करना है। पब्लिक डिपॉजिट कंपनीज एक्ट 2013, ऑडिटर शुड चेक कंप्लायंस विद द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आपको सारी चीज गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एटलीस्ट हेडिंग कंफर्म होनी चाहिए, ओके। सो इस
इस लेसन में वेरिफिकेशन के लेसन में हमारे पास सिर्फ दो ही चीज थी, ऑडिट ऑफ असेट जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, एंड इस वीडियो में हम लोग ऑडिट ऑफ लायबिलिटी दैट इज पब्लिक डिपॉजिट का हम लोगों ने गो थ्रू किया जरा सा, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद वेरिफिकेशन लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।